धनबाद। धनबाद झारखंड राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है। यह शहर अपनी मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। धनबाद को भारत के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में गिना जाता है। राज्य के किसी अन्य स्थान के मुकाबले धनबाद में सबसे ज़्यादा कोयले की खान मौजूद है। यह भारत का एकमात्र ऐसा शहर भी है जहां 4G मोबाइल फोन का फास्ट नेटवर्क मौजूद है। एक सर्वे के अनुसार धनबाद शहर झारखंड का सबसे खुश रहने वाला शहर भी है। धनबाद शहर राज्य के सबसे पुराने और सबसे बड़े बाजारों में से एक है और यह बड़े पैमाने की उद्योगों का केंद्र भी है। यह शहर लगभग 112 कोयला खदानों से घिरा हुआ है जिसका कुल उत्पादन 27.5 मिलियन टन है। धनबाद अपने कोयले की कारोबार से 7000 मिलियन रुपए की वार्षिक कमाई करता है जिसके कारण धनबाद को औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। 2019 की स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार धनबाद भारत का 50वां सबसे साफ शहर भी है। लगभग 577 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए धनबाद शहर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 13 लाख से ऊपर थी। आबादी के हिसाब से धनबाद झारखंड राज्य का दूसरा और भारत का 40वां सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला शहर है। धनबाद जिला कुल 9 तहसीलों में बटा हुआ है। धनबाद, बाघमारा, बलियापुर, झरिया, निरसा, पूर्वी टुंडी, गोविंदपुर, तोपचांची और टुंडी शामिल हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से धनबाद शहर में 81.22% हिंदू, 17.10% मुसलमान, 1.43% ईसाई, 0.65% सिख अथा 0.56% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। धनबाद शहर की साक्षरता दर 71.96% है। इससे ये पता चलता है कि धनबाद शहर के ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे वर्ग के हैं। धनबाद शहर को भाजपा का गढ़ भी माना जाता है जिसके अधिकांश सांसद विधायक 1900 के दशक से पार्टी की है। धनबाद जिला रांची जिले के बाद राज्य का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला भी है। धनबाद झारखंड की राजधानी रांची से 146 किलोमीटर दूर है। धनबाद जिला कई सारे पड़ोसी जिलों से भी घिरा हुआ है। धनबाद के उत्तर पूर्व में जामतारा जिला, दक्षिण पूर्व में पश्चिम बंगाल का वर्धमान और पुरुलिया जिला, पश्चिम में बोकारो जिला एवं उत्तर पश्चिम में गिरिडीह जिला स्थित है। धनबाद शहर में कई तरह की भाषाएं भी बोली जाती है लेकिन ज़्यादातर लोग हिंदी, बंगाली, संथाली और उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। धनबाद शहर में कई सारे शैक्षिक संस्थान मौजूद हैं जो धनबाद के छात्र और छात्राओं को एक उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करता है, जिनमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, केके कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, SSLNT गर्ल्स कॉलेज आदि यहाँ के अन्य प्रमुख शिक्षा संस्थान हैं। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि धनबाद मानभूम जिले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था, मगर 1928 में पुराने धनबाद और चंदन कियारी डिवीजन को मिलाकर धनबाद जिला बनाने की बात रखी थी। इसके बाद 1956 को राज्य निर्माण आयोजन के तहत धनबाद जिला अस्तित्व में आया। पुराने समय में धनबाद शहर का नाम धनबाद हुआ करता था लेकिन ICS मिस्टर लूबी ने आधिकारिक रूप से इसका नाम धनबाद कर दिया, मगर स्थानीय लोगों का कहना है कि धनबाद कभी बैदधान के नाम से जाना जाता था जिसके कारण इसका नाम पड़ा। एक दूसरी मान्यता के अनुसार धनबाद का नाम धन शब्द से आया जो कि एक कलोरियन आदिवासी होते थे जो कि इस क्षेत्र में निवास करते थे। आज के समय में धनबाद अपनी अर्थव्यवस्था का काफ़ी विकास कर चुका है। यहाँ कई सारे फैक्ट्रीज, शॉपिंग मॉल्स, खेल मैदान,
हॉस्पिटल्स और कई सारे कोयले की खदान मौजूद है, जो धनबाद के लोगों को सुविधा के साथ साथ रोजगार प्रदान भी कर रहा है। धनबाद की मेट्रो जीडीपी 110 मिलियन से 120 मिलियन यूएस डॉलर है, जिसके कारण धनबाद शहर को झारखंड राज्य का धनी शहर भी कहा जाता है। आवाहन के दृष्टिकोण से धनबाद शहर रेल मार्ग और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग, धनबाद शहर में कुल 6 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। धनबाद जंक्शन, डोकरा हॉल्ट, प्रधान खूंटा, कसुंडा जंक्शन, तैतुलमारी और भंगा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसमें से धनबाद रेलवे स्टेशन यहाँ का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन झारखंड राज्य का ही नहीं बल्कि भारत के सबसे व्यस्त एवं बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक है। यहाँ पर प्लेटफार्मों की संख्या 9 है। धनबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन झारखंड राज्य का सबसे व्यस्त एवं बड़े रेलवे स्टेशन भी है। यह रेलवे स्टेशन हावड़ा गया दिल्ली लाइन, हावड़ा इलाहाबाद मुंबई लाइन, धनबाद सिंगरौली लाइन और धनबाद भोजुडी आंध्रा लाइन पर मौजूद है। शिक्षा भूमि एक्सप्रेस, प्रताप एक्सप्रेस, गर्भ एक्सप्रेस, पारसनाथ एक्सप्रेस, कोलकाता एक्सप्रेस, जम्मू तवी एक्सप्रेस एवं स्वर्णरेखा एक्सप्रेस जैसे कई प्रमुख रेलगाड़ियां धनबाद रेलवे जंक्शन से होकर गुजरती है। सड़क मार्ग, धनबाद शहर के सरस्वती इलाके में स्थित धनबाद बस स्टैंड अपने सड़क मार्ग के जरिए झारखंड ही नहीं बल्कि भारत के प्रमुख शहरों से जुड़े हुए हैं, जिनके जरिए आप धनबाद शहर तक पहुंच सकते हैं। धनबाद अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों की वजह से भी जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी धनबाद की खूबसूरती को देखने आते हैं। आइए जानते हैं कौन सी पर्यटक स्थल है जिनके बिना धनबाद शहर का भ्रमण अधूरा है। बिरसा मुंडा पार्क, बिरसा मुंडा पार्क धनबाद शहर का एकमात्र उद्यान है और इसे धनबाद का सबसे खूबसूरत स्थानों में गिना जाता है। यह उद्यान सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। लगभग 21 एकड़ के भूमि में फैले हुए बिरसा मुंडा पार्क में अवकाश क्षेत्र, खेल क्षेत्र, टॉय ट्रेन क्षेत्र और बच्चों के लिए विभिन्न सवारी मौजूद है। भटिंडा फॉल, भटिंडा फॉल धनबाद जिले की मुनिडीह में स्थित भटिंडा फॉल अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। भटिंडा फॉल मुख्यतः अपने प्राकृतिक सुंदरता और जलप्रपात के लिए भी जाना जाता है, जहां हर समय पर पर्यटकों का भारी भीड़ देखने को मिलता है। इसके अलावा हरा भरा परिवेश इसकी सुंदरता में चार चांद लगाता है। ये एक लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट है। भटिंडा फॉल धनबाद शहर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मैथन झील, धनबाद के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से मैथन झील एक खूबसूरत सा पिकनिक स्थल है। ये एक आदर्श पर्यटक स्थल के रूप में भी जाना जाता है, जहां कोई भी नौका विहार और मछली पकड़ने का आनंद ले सकते हैं, साथ ही प्राकृतिक प्रवेश में आराम भी कर सकते हैं। मैथन झील के पास में ही स्थित हिरण पार्क और पक्षी अभ्यारण भी जा सकते हैं, जो वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। मैथन झील धनबाद शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। धनबाद के इन सभी पर्यटक स्थलों के अलावा आप कहीं अन्य पर्यटक स्थलों का भी भ्रमण कर सकते हैं, जिनमें तोप चांची झील, पंचेत डैम, गोपालपुर, मैथन डैम, पनरा, चरक खुर्द, कल्याणेश्वरी मंदिर, कातरस प्लेस, जगन्नाथ मंदिर, शक्ति मंदिर, शिव मंदिर, लिंडोरी स्थान मंदिर, भुईफोर मंदिर यहाँ के अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।